हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रॉस टू हर्डल। और दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में, जिसमें मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा जो आपके टेक्निकल जो पोर्शन था यूपी पीसीएल असिस्टेंट इंजीनियर 2018 का, उसमें कुछ क्वेश्चन आपके रह गए थे, तो मैं उसके सोल्यूशन के साथ आपके सामने फिर से लेके आया हूँ एक नई वीडियो। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपको देख सकते हैं, आपके पास एक ओपन सर्किट दिया हुआ है और पूछा गया व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ट्रांसफर फंक्शन वी टू एस बाई वी वन एस एट एस इज इक्वल टू जे। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो आपका एक सर्किट दिया हुआ है वो एक सेलेंट के फिल्टर या फिर आप कह सकते हैं सेकेंड ऑर्डर एलपीएफ लो पास फिल्टर है, और इसका जो ट्रांसफर फंक्शन होता है दैट इज़ वी नॉट वी आउटपुट बाई वी इनपुट, वो होता है आपका के अपॉन एस स्क्वायर प्लस 0.76 एस प्लस 1, और के आपका यहाँ पर होता है 1 प्लस आर 4 बाई आर 3। ठीक है, और क्वेश्चन में आपको आर 4 और आर 3 देख सकते हैं कि आर 4 और आर 3 की वैल्यूज़ यहाँ पे 0 हैं, तो यहाँ से आपको जो के की वैल्यू हो जाएगी वो 1 हो जाएगी, और एग्जैक्टली जो आपका ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा वी नॉट बाई वी इनपुट इज इक्वल टू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 0.765 एस प्लस 1, और इसकी वैल्यू एट एस इज इक्वल टू जे पे जब हम पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस जे बाई रूट टू। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द राइट वन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन, आपके पास एक गॉसियन पल्स दी रखी है जिसका ट्रांसफर फंक्शन है जी टी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस बीटा टी स्क्वायर फॉर माइनस इन्फिनेटिव टी टू इन्फिनेटिव वेयर बीटा इज कॉन्स्टेंट, देन व्हाट इज़ द, और साथ ही साथ आपको क्या दिया हुआ कि जो जी ओमेगा वो आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म है जी टी का, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वन बाई ओमेगा इंटू जी ओमेगा डी बाई जी ओमेगा बाई डी ओमेगा इज इक्वल टू। तो आपको वैल्यूज पूछी गई है। तो दोस्तों, एक स्पेशल केस आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म का, जिसमें आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन है दैट इज जी ओमेगा इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जी टी ई टू द पावर माइनस जी ओमेगा टी डी टी, और आपको जी टी की वैल्यूज यहाँ पे दे रखी है ई टू द पावर माइनस बीटा टी स्क्वायर। तो हमारा सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले इस तरीके की प्रॉब्लम से हम क्या करते हैं, जो आपका फंक्शन है इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। दैट मीन्स जी डैश टी इज इक्वल टू माइनस टू बीटा टी इंटू ई टू द पावर माइनस बीटा टी स्क्वायर, और आपको क्या करना है कि दोनों साइड फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना है। और दोनों साइड फोरियर ट्रांसफॉर्म लेने का क्या मतलब है कि आपको यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म की दो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है। पहली साइड जो आपका टाइम डोमेन में जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएट किया जा रहा है, और साथ ही साथ दूसरी साइड आपको देख सकते हैं टी इंटू जी टी, दैट मीन्स आपका जो टी जो फंक्शन है उस टाइम डोमेन में उसमें उसको टी से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो इन दोनों में आपके फोरियर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको अप्लाई करने के बाद आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, जिसका आपका सॉल्यूशन या फिर आपका आउटपुट हो जाएगा दैट इज जी जे ओमेगा इक्वल टू सी इंटू ई टू द पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई फोर बीटा। और आपको जो कॉन्स्टेंट सी है, अब बात करेंगे इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसको हम फाइंड आउट करेंगे जो जी ओमेगा की वैल्यू है, दैट मीन जो फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन होती है वहाँ पे हम ओमेगा इज इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे, तो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस बीटा टी स्क्वायर डी टी। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे इस तरीके का एक फंक्शन बनेगा जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स टू द पावर बी डी एक्स, क्योंकि आपको यहाँ पे अल्फा की वैल्यूज क्वेश्चन में बी है और बी स्मॉल बी की वैल्यू टू है, तो यहाँ से आपको एक जो आपका आउटपुट मिल जाएगा दैट इज़ अंडर रूट पाई अपॉन टू इंटू अंडर रूट बीटा। और चूंकि आपका जो फंक्शन दिया हुआ है एक इवन ऑर्डर इवन फंक्शन है, दैट मीन्स आपकी जो लिमिट्स हो जाएंगी वो जीरो टू इन्फिनिटी इंटू टू, ठीक है, ई टू द पावर माइनस बीटा टी स्क्वायर डी टी। और आप यहाँ पे जब वैल्यू सारी पुट करेंगे तो आपको जो आपका कांस्टेंट है सी उसकी वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट पाई बाई बीटा, ठीक है, सी इज इक्वल टू अंडर रूट पाई बाई बीटा, और आपको जी ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट पाई बाई बीटा ई टू द पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन फोर बीटा। अब आपको क्वेश्चन में देखना है कि पूछा क्या गया डी जी ओमेगा बाई डी ओमेगा, तो सबसे पहले हमें जी ओमेगा हमें मिल गया है, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे ओमेगा के रिस्पेक्ट में, तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। और इस जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया रिक्वायर्ड डिजायर्ड आपको आउटपुट पूछा गया है, इसमें सारी वैल्यूज पुट करने के बाद जो आपका आउटपुट मिल जाएगा दैट इज़ माइनस वन बाई टू बीटा, एंड द ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट वन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका सिग्नल सिस्टम से। आपका एक इंपल्स रिस्पांस दिया हुआ है एच एन इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन यू एन वेयर अल्फा इज़ ग्रेटर देन जीरो लेस देन वन, और साथ ही साथ जो आपका इनपुट दिया हुआ है दैट इज़ एक्स एन इज इक्वल टू यू एन माइनस यू एन माइनस कैपिटल एन, और आपसे पूछा गया व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द सिस्टम फॉर एन ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो आपको एक्स एन दिया हुआ है, एक्स एन दिया हुआ है, साथ ही साथ इंपल्स रिस्पांस दिया हुआ है, तो आपका जो आउटपुट आ जाएगा फॉर एन ग्रेटर देन जीरो के लिए दैट इज़ वाई एन इज इक्वल टू एक्स एन आपका कन्वोल्यूशन विद एक्स एन, और आपको सिंपली यहाँ पे कन्वोल्यूशन करना है दो फंक्शंस का, तो काफ़ी इजीली आप कर पाएंगे, और आपकी जो वैल्यू आ जाएगी फंक्शन की वाई एन की वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जो आपका ऑप्शन बी में है कि वाई एन जीरो
और एन माइनस वन के लिए आपको ये वैल्यू मिल जाएगी और ग्रेटर देन कैपिटल एन के लिए आपकी ये वैल्यू मिल जाएगी। दैट मीन्स ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया सैम्पलिंग थ्योरम से, मैसर सिग्नल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दे रखी है और आपका एक सैम्पलिंग सिग्नल से फ्रीक्वेंसी जो आपका मैसर सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी FM दे रखी है और आफ्टर सैम्पलिंग जो आपकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है वो 40 गीगा हर्ट्ज दे रखी है और साथ ही साथ आपका एक LFP यूज किया जा रहा है आउटपुट पे जिसके थ्रू आपका आउटपुट पास किया जा रहा है। तो आपसे पूछा गया व्हाट इज़ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज आर प्रेजेंट इन द रिजल्टिंग सिग्नल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो आपका मैसर सिग्नल उसकी फ्रीक्वेंसीज हैं FM और आपका जो उसके सैम्पलिंग के बाद जो आपके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हो जाएंगे दैट इज़ FM FM प्लस FS एंड FM माइनस FS और आपका जो LFP है वो उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है। तो आपके जो आउटपुट फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी वो आ जाएंगी 10 हर्ट्ज एंड 50 हर्ट्ज 10 हर्ट्ज एंड 50 हर्ट्ज। क्योंकि यहाँ पे जो आपका आंसर दिया हुआ है इसमें एक एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज भी दे रखी है जो कि मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ इसमें आपको मेरे दो ही फ्रीक्वेंसी आ रही हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन डी है वो पूरी तरह से सही नहीं है क्योंकि जो आपके आउटपुट फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं वो 50 हर्ट्ज एंड 10 हर्ट्ज आ रही है लेकिन जो UPPCL की तरफ से आंसर की आई थी उसमें आपका एक एक्स्ट्रा टर्म भी दे रखी थी दैट मीन 30 हर्ट्ज भी प्रेजेंट दे रखी थी। ठीक है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और बाकी यहाँ पे दो क्वेश्चन हैं इनके सॉल्यूशन में भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर आपको किसी भी को भी सॉल्यूशन पता है तो आपके लिंक में आपके मेरे उस टेलीग्राम ग्रुप का है वो आपका वहाँ पे से लिंक मिल जाएगा उसमें आप इसका सॉल्यूशन मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको सारी वीडियो आज के वीडियो में जितने मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और लिंक पे जाके मुझे अनअकैडमी फॉलो कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।